मानव सेवा अति उत्तम सेवा है, और उससे भी उत्तम सेवा है जीवों की सेवा करना। जीवों में चाहे वो नभचर हो, जलचर हो, चाहे वो चौपाय हो। इस समय मेरे साथ हैं ट्राइसिटी के डॉक्टर प्रिंस मेहरा, जो कि बर्ड एम्बुलेंस चलाते हैं। इस वक्त है मेरे साथ चंडीगढ़ ट्राइसिटी के डॉक्टर प्रिंस मेहरा, जो घायल पक्षियों की सेवा करते हैं, ना बल्कि सेवा करते हैं, अपने खर्चे पर उनको शेल्टर भी देते हैं, और जब वो पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं तो उनको मुक्त कर देते हैं, आज़ाद छोड़ देते हैं। और एक बड़ी रोचक बात इनके बारे में पता चली, ना ये केवल सेवा करते हैं, इनको ट्राई सिटी में कहीं भी जहाँ तक 40-50 किलोमीटर की रेंज में ये घूमते हैं, कोई मृत पक्षी मिल जाए तो उसका संपूर्ण तरीके से दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार तो करते ही हैं। जिस प्रकार हम इंसान अपने किसी प्रियजन की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाते हैं, कोई यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, ये सब वो सारी क्रियाएं भी उन मृत पक्षियों के लिए करते हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रिंस मेहरा। नमस्कार सभी दर्शकों को, चैनल देखने वालों को। मेरा नाम प्रिंस मेहरा है, डॉक्टर प्रिंस मेहरा, बर्ड मैन के नाम से मुझे जानते हैं। मैं 1990 से बाईसाइकिल चला रहा हूँ ताकि पर्यावरण प्रदूषण ना हो, क्योंकि साइकिल एक ऐसा टायर है जो प्रदूषण नहीं करता है। सुंदरलाल बहुगुणा जी से प्रेरणा लेके मैंने साइकिल चलाना शुरू किया, और 2011 में मैं यूथ सत्ता के एनजीओ के साथ मैं फिरोजपुर आर्मी अचीवमेंट के लिए गया था। गरीब बच्चों को लेके जाते हैं ताकि बताते हैं उनको जो आर्मी जो है हमारे लिए क्या करती है, तो उसको हम लेके जाते हैं हर साल में। तो वहाँ पर हम जहाँ पर ठहरे हुए थे देव समाज कॉलेज में, तो वहाँ पर एक जब रोटी खाना खाने जा रहे थे तो एक जो वहाँ काम करने वाली थी वो एक कबूतर को मरे हुए को डस्टबिन में डाल रही थी। मैंने चांद की पूछ लिया इसको क्या हुआ, कह रही लगता है इसको शॉर्ट सर्किट हो गया। तो कह रही सुबह भी एक को हुआ, मैं कहा जी वो कहाँ है, वो कह रही ये डस्टबिन में है। मैंने उसके हाथ से उठाया पकड़ा और दूसरा मैंने डस्टबिन से पकड़ा। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा जैसे इन्होंने डस्टबिन में डाल दिया, ये कूड़ा अगले डस्टबिन में चले जाएगा, उससे आगे उससे आगे चल जाएगा, 2 दिन बाद इसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, और जो बदबू आएगी वो हवा में फैलकर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएगी और सांस के जरिए हमारे अंदर जाएगी तो बीमारी फैलेगी। मैंने कहा नहीं, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। उस वक्त तो मैंने जहाँ पर हम खाना खाने जा रहे थे वहाँ पर काफ़ी बड़ा ग्राउंड था, तो वहीं पर मैंने वहाँ से होटल से मैंने मैसेज से मैंने खुरचना लेके वहाँ पर उसको उनका संस्कार कर दिया ताकि हवा में उसकी बदबू ना फैल सके। फिर जब मैं 4 दिन बाद चंडीगढ़ आया तो मैंने बताया भी एक एक करके किस किस को बताऊंगा, इतने सुनने में किसी का भी टाइम नहीं होता इसके पास इतनी लंबी। तो मैंने इश्तहार छपवाए, उसमें अपील लिख दी भाइयों बहनों बुजुर्गों और बच्चों, अगर आपको कहीं भी कोई उड़ने वाला पंछी मरा हुआ या जिंदा इंजर्ड मिलता है तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। डॉक्टर साहब, आप बहुत ही मेरे हिसाब से मेरी नज़र से बहुत महान काम कर रहे हैं इस समाज के लिए, समाज के लिए नहीं अपितु वन जीवों के लिए भी, जिनके जुबान नहीं लगी होती, जो कुछ बोल नहीं पा सकते, अपना कुछ दर्द किसी को बयान नहीं कर पाते। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या अभी तक किसी संस्था ने आपको सम्मानित भी किया है, कोई अवार्ड दिया है? मुझे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने 26 जनवरी को स्टेट अवार्ड से नवाजा है। उसके अलावा मेरे पास 65 के करीब वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जिसमें से 7 नेशनल है, 14 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, और 100 बुक्स में मेरा नाम रजिस्टर्ड है, और 200 के करीब मेरे पास एक्स्ट्रा अवार्ड्स हैं मेरे पे, जिसमें से 7 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं और 14 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं। देखिए कितनी रोचक बात है कि हम ट्राई सिटी में रहते हैं और एक जो सेलिब्रिटी है, वर्ल्ड सेलिब्रिटी है, वो हमारे बीच में है और हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है। तो मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब तक आप कितने पंछियों का इलाज कर चुके हैं, उनको वाइल्ड लाइफ को सौंप चुके हैं, कोई संख्या आपको याद होगी इसके लिए? हाँ जी, मैं 2011 से 1310 के करीब मैं जो डेड हो जाते हैं उनका संस्कार कर चुका हूँ, और 1160 के करीब जो इंजर्ड हो जाते हैं अपने घर पे या हॉस्पिटल में जहाँ पर मेरी ड्यूटी होती है वहाँ से मैं इनको फ्री कर चुका हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने चलो पक्षियों का बताया, पक्षियों के मतलब बड़े से बड़े पक्षी का आपने अभी तक कौन से किस पक्षी का इलाज किया? जो चील वगैरह होती है या फिर वो एक होता है क्या कहते हैं उसको चमगादड़ जी, वो सबसे काफ़ी बड़े होते हैं। पहले हम मैं उसको उनको भी रेस्क्यू करता था, अब जब से चंडीगढ़ में बर्ड पार्क बना है तो उसी के उन्होंने ही हॉस्पिटल बना दिया है, जो भी अभी उसकी
ट्रीटमेंट होती है वही हॉस्पिटल में होती है, वाइल्ड लाइफ के अंडर में आ जाती है। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि इन जो पक्षी आप उठाकर अपने घर ले जाते हैं, उनका इलाज करते हैं, अपने पास रखते हैं, उस पर कुछ खर्चा भी आता होगा, तो ये जो खर्चा है आप अपनी पॉकेट से करते हैं, अपनी तरफ से करते हैं, या कोई संस्था या कोई चंडीगढ़ का शहरी आपको इसके लिए कोई सहायता करता है? जी मैं जितनी मुझे सैलरी मिलती है उसमें से 20% जो है मैं इन पे यूज़ करता हूँ, इनकी सेवा में लगाता हूँ। कई जो हैं कई बार जो पंछी दे जाते हैं जो जानते हैं वो मुझे दे जाते हैं, कह रहे हैं इनकी सेवा के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप ये रखिए, तो मैं जो भी पैसा आता हूँ उसको अलग रखता हूँ। तो उसमें क्या करता हूँ मैं, दाना वगैरह हो गया, अब गर्मियों में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में कसोरे पानी वाले जिसमें पीते हैं पंछी वगैरह पानी पीते हैं, मैं 2 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। किसी को लोड होती है व्हाट्सएप पे मेरे आप अपना एड्रेस सेंड करिए, 24 घंटे के अंदर अंदर उसके घर में पहुँचा देते हैं। आप इन पक्षियों की बेजबानों की जो सेवा करते हैं वो अपनी जो वेतन पाते हैं सरकारी वेतन पाते हैं उसमें से 20% आप इसका खर्च इनकी सेवा के लिए करते हैं, तो इसके लिए कभी आपकी धर्मपत्नी ने इतराज़ जताया हो, कोई परेशानी हो, ऐसा कोई किस्सा हो तो बताएं? ऐसा कुछ नहीं सर, पहले जो जैसे मैं इंजर्ड पंछी उठाता था कई तो सड़क पे चिपके होते थे, जो लोग वहाँ से निकलते थे मुँह पे कपड़ा रखा तो निकल गया वहाँ से, कोई गौर नहीं करता था, तो मैं उनको भी रेस्क्यू करता था, उठाता था मैं, और मेरे जो मिसिज हैं वो कहते थे भाई आप ग्लव्स वगैरह डाल लिया करो कोई बीमारी ना लग जाए, तो मैंने 1 महीना 2 महीने डालने शुरू किए, फिर मैंने सोचा यार पहले उतारो फिर डालो फिर उतारो, ये तो काम फालतू हो गया, एक तरह का टाइम बर्बाद हो गया, मैंने कहा जो होगा मुझे दिखी जाएगी, ऊपर वाले को पता है भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। उसके बाद मैंने बिल्कुल छोड़ा, कोरोना में भी मेरी एम्बुलेंस में ड्यूटी थी, तो कोरोना में भी हमने लोग जब भी कोई डॉग की कंप्लेन करते थे तो वो कहते यार जल्दी ले जाओ किसी को कोरोना ना हो जाए, हमने उस टाइम भी हमने इमरजेंसी में हमने डॉग उठाए इंजर्ड से इंजर्ड, तो ऊपर वाले ने हमें कुछ नहीं किया क्योंकि हम सेवा में लगे हुए हैं, अगर वो हमें इस सेवा के करते करते अगर कुछ हमें हो भी जाता तो हम खुशकिस्मत समझेंगे कि हम सेवा करते करते ही हमारी ज़िंदगी जो है वो सफल हो गई है, क्योंकि हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है, अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हमारी आने का जो यहाँ पर मुद्दा है वो ख़त्म है जी। डॉक्टर साहब समाज को ट्राई सिटी के निवासियों को कोई संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? हाँ जी, एक तो पहले मैं पंछियों के बारे में देता हूँ, उसके बाद पेड़ों में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा दे दूँगा। पंछियों को लेकर हम अपने परिवार का हिस्सा समझे, पंछी हो जानवर हो कोई भी हो ह्यूमन हो कोई भी हो, सेवा करनी चाहिए ज़रूरी, चाहे आदमी के हो चाहे जानवर के हो चाहे पंछियों के हो, जितनी सेवा हो सकती है हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन बहुत अच्छा है, हमें सब समझ है क्या बुरा है क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसमें हम जैसे अभी कई जो कॉलोनियों में है बंदे बच्चे जो हैं कबूतरों को गुलेलों से मारते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने शौक के लिए किसी को कष्ट देना ये ठीक बात नहीं है। और जैसे बसंत पंचमी में पतंगों का मौसम होता है तो बच्चे क्या करते हैं चाइना डोर यूज़ करते हैं, जो पंछियों के लिए और ह्यूमंस के लिए आप पढ़ते होंगे अखबारों में किससे बहुत बुरा होता है, क्योंकि चाइना डोर बहुत मजबूत होती है, जो टूटती नहीं है वो काट देती है, इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जिनके बच्चे हैं उनके माँ बाप को भी थोड़ा बच्चों को समझाना चाहिए बच्चों ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो और जो एक आजकल चंडीगढ़ में जैसे बरसात का मौसम शुरू हो गया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हर सेक्टर में हर बंदे को 5-5 पौधे दे रहे हैं, अगर आपने पौधे लिए हैं तो उन पौधों को आप अगर लगाते हो तो उनकी देखभाल भी ज़रूरी है, जब तक उसकी देखभाल नहीं होगी लगाने का उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर पेड़ हैं तो पर्यावरण है, पर्यावरण है तो पंछी हैं, पंछी हैं तो हम हैं, ये सारा जो है चक्कर है सब ज़िंदगी का एक मकसद है। जैसा कि आपने देखा अभी हमारे साथ थे द बर्ड मैन जो एक इंटरनेशनल अवार्ड होल्डर हैं और चंडीगढ़ ट्राईसिटी से हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया है, और मैं भी आप चंडीगढ़ निवासियों को ये आग्रह करना चाहूँगा कि जैसा डॉक्टर साहब ने संदेश दिया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान डालें। बर्डमैन का जो टेलीफोन नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर है हमारी स्क्रीन पे आप सबको मिल जाएगा, और मेरी आप सबसे अर्थप्रकाश टीवी की ओर से रिक्वेस्ट है कि आपको कहीं भी कोई घायल पक्षी को मृत पक्षी मिलता है तो कृपया आप बर्डमैन को कॉन्टैक्ट कीजिए,
हो सके तो आप खुद ही उनका दाह संस्कार कीजिए, कोई ऐसी ये वस्तु नहीं है कि जिससे आपको कोई बीमारी लग जाएगी। अगर हाँ आप कुछ अवॉइड करते हैं या आपको डर लगता है तो आप बर्डमैन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं खुशविंदर सिंह अपने सहयोगी अरजिंदर दत्त के साथ चंडीगढ़ अर्थ प्रकाश के लिए।